वंदे मातरम दोस्तों, इंडिया शॉपी पे ऑनलाइन ऑर्डर डालने के लिए अलग से आपकी यहाँ पर एक सेपरेट आईडी पासवर्ड बनेगा। या तो आपकी अपलाइन ने अगर वो आईडी बना दी है तो उनसे ले लीजिए, नहीं तो उनसे कंफर्म करने के बाद नई आईडी बनाइएगा। माई लाइफ स्टाइल वाली आईडी सेपरेट है, ये अलग से ऑनलाइन ऑर्डर डालने के लिए आपकी आईडी बनती है। और इस पर आप G35 और G75 दोनों तरह के ऑर्डर जैसे कि डाल सकते हैं। मिनिमम 2000 का ऑर्डर होना ज़रूरी है दोनों का सेपरेट। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, indiashopee.com वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद ये आपका नाम एकदम से शो हो जाएगा। और उसके बाद नाम शो होने के बाद आप सबसे पहले अपना ई वॉलेट चेक करेंगे कि आपका कितना वॉलेट है। अब वॉलेट दो तरह का होगा, एक G35 का और एक स्टार का। देखिए 4760 एक पड़े हैं, 2495 रुपये एक पड़े हैं। और अब अपना ऑर्डर किसी पेपर पर लिख रख लीजिए। तो पहले हम स्टार का ऑर्डर डालेंगे, जैसे अब मैंने भृंगराज ऑयल ऊपर सर्च बॉक्स में डाला, तो अब भृंगराज मैं एंटर प्रेस करूंगा तो भृंगराज ऑयल आ गया। अब भृंगराज ऑयल को मैं कार्ड में ऐड कर दूंगा, ऊपर टॉप में देखिए जीरो है तो ये ऐड टू कार्ड। पहली बार पिन कोड पूछेगा, फर्स्ट टाइम जब हम पहला प्रोडक्ट डालेंगे, सो डैट उस पिन कोड पर डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। देखिए अभी मैं पिन कोड यहाँ पर डाला, तो पिन कोड डालते ही ये हो गया, या पुराना एड्रेस जो सेव होगा उसको टिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे नीम सोप डाला तो देखिए ये आ जाएगा डजंट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ नीम को नीम बार बोला जाता है, जो हमारा 65 वाला साबुन है, तो उससे बेटर क्या है, मैंने सिर्फ नीम डाल दिया। तो सिर्फ नीम डालते ही नीम रिलेटेड जो भी है वो आ गया। देखिए ये अब नीम बार आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इसे नीम सोप नहीं बोलते, ये ग्लिसरीन बार है। तो ये देखिए ऐड टू कार्ट हो गया। अब ऐसे ही मैंने शैम्पू डाला सिर्फ, क्योंकि मैंने सीसी शैम्पू डाला, हो सकता है वो सर्च ना करे। तो शैम्पू डाल के जितने भी तरह के शैम्पू हैं वो आ गए, मुझे कंप्लीट कर शैम्पू ऐड करना है। ये देखिए ऐड टू कार्ट में ऐड हो गया। तो इसी तरह से आप राइट साइड पे अपना कार्ट पैरेलल चेक कर सकते हैं क्या क्या ऐड हो गया। अब मैंने जैसे अंडर आई जेल डाली, अब ये अगर आउट ऑफ स्टॉक है अंडर आई जेल तो यहाँ पर देखिए इसे टच करते ही ये ऐड ही नहीं होगा, नीचे आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही मैं ऐड टू बैक पे क्लिक करूंगा, देखिए आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि इस समय ये कहीं पे भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। कफनिल ऐड हो गया, रेड हर्बल पेस्ट मैंने ऐड करी, देखिए ऐड हो गया। ये चंपी ऑयल मैंने ऐड करा, ये ऐड हो गया। अब मैंने यहाँ पर डाला सपोज पेस्ट, तो कितने तरह की पेस्ट आ गई। अब इसमें देखिए ये तो स्टार की पेस्ट है, एक ये वाली G35 की पेस्ट है। अब इसे अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा तो देखिए ये ऐड नहीं होगा, देखिए कांट डिफरेंट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि G35 का 2000 का ऑर्डर सेपरेट है, तो ये ऐड ही नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ स्टार का ही ऑर्डर 2000 का अलग कर पाएंगे, G35 का अलग, राइट। तो अब ये देखिए मेरा टोटल कार्ट आ गया। अब इसमें सबकी क्वांटिटी एक एक है, और मैंने अब क्वांटिटी बढ़ानी है। देखिए भृंगराज ऑयल की क्वांटिटी सपोज मैंने 5 कर दी या 6 कर दी, मैंने किसी और शैम्पू की क्वांटिटी, देखिए अपने आप टोटल बढ़ता रहेगा। और ये प्राइस देख के डरिएगा मत, ये अभी MRP वाला प्राइस है। जब आप अपना ई वॉलेट यूज करेंगे तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है DP वाला, अपने आप ये डिस्काउंट हो जाएगा एक बार आप जब आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए मैंने अब क्वांटिटी अपनी बढ़ा ली, मैंने पपाया सोप यहाँ पे 8 कर दिए, शैम्पू मैंने यहाँ पे देखिए 4 जितना मर्जी आप कम ज़्यादा 5 कर सकते हैं। मेरा ऑर्डर देखिए 5835 हो गया, मैंने इसे कम करना है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने दोबारा भृंगराज ऑयल को थोड़ा एडिट किया, क्वांटिटी को आप यहाँ से कम सेटलमेंट करके एक अपना DP रेट का इसीलिए ऑन पेपर पे पहले लिखा होना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपने कितने का ऑर्डर करना है, क्योंकि यहाँ MRP दिखाएगा, DP का टोटल बाद में दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने प्रोसीड किया, वो मेरे पुराने 3 एड्रेसेस में सेव रहते हैं। सपोज मैंने वरुण दुआ डिलीवर हेयर बिलिंग हेयर दोनों पे चेक करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और रिव्यू ऑर्डर में सारा एक बार ऑर्डर में अपना रिव्यू कर लूंगा। ये मेरा देखिए एक रिव्यू ऑर्डर है 6030 का, और 1810 रुपये इस पर लेस, देखिए लेस हो गया। जैसे ही मैंने यूज वॉलेट किया, यूज वॉलेट करते ही टोटल पेबल अमाउंट आ गई 4220, ऊपर मेरा बैलेंस दिखा रहा है 4760। तो मुझे अमाउंट डिडक्शन में मैनुअली यहाँ पे टाइप करना है 4220 रुपये, जितना बैलेंस नीचे पेबल दिखा रहा है वो मुझे मैनुअली टाइप करना है। मैनुअली टाइप करके वॉलेट पासवर्ड, एक अलग से आपका पासवर्ड रहता है, लॉग इन पासवर्ड से डिफरेंट रहता है। अगर भूल गए तो आप इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अदरवाइज वॉलेट पासवर्ड आप भरेंगे, और देखिए अमाउंट डिडक्शन में मैंने 4220 रुपये मैनुअली टाइप किया। अब टाइप करते ही अगर मेरा ई वॉलेट हमेशा 4220 से ज़्यादा है तो देखिए सबमिट करते ही ऑर्डर प्लेस हो गया वॉलेट डालते ही। अब 4220 कट के बाकी मेरा जितना बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, और ये मेरी शिपिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, इस एड्रेस पे मेरा ये पहुंच जाएगा जो भी मैंने एड्रेस सिलेक्ट किया था। और बाय चांस कोई एड्रेस सिलेक्ट नहीं है तो आप नया एड्रेस भी अपने पोर्टल में जाके
माई अकाउंट में जाके सेव्ड एड्रेस में कोई नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये मैं अपने माई ऑर्डर्स में गया तो ओपन ऑर्डर में मैंने देखा इन प्रोसेस। इन प्रोसेस का मतलब कि ये ऑर्डर आपका डल गया, और जब भी कभी डिलीवर्ड शो करेगा इट मींस वो आपके पास पहुंच गया, और जब भी कभी डिस्पैच शो करेगा डिस्पैच कि इन प्रोसेस का से नेक्स्ट स्टेप डिस्पैच, तो डिस्पैच का मतलब ये कंपनी से निकल गया, राइट। जब तक डिस्पैच ना शो हो, आप मानिए कि 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर डिस्पैच हो जाना चाहिए, और ये आपके मोबाइल पे ऐसा एक मैसेज आ जाता है जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। चलिए अपना पहला ऑर्डर डालिए, लोगों को सेहत दीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय भारत।